हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सब फिट और फाइन होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन चटपटा ग्रेवी, चिकन चटपटा मसाला। ये देखिए दोस्तों, हमारा 1 किलो चिकन है और इसको हमने अच्छे से वाश कर दिया। ये देखिए हमारा जो प्याज कटा हुआ है 400 ग्राम, और ये देखिए हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है दोस्तों। आज कढ़ाई में बनाएंगे, वही भी प्योर पहाड़ी स्टाइल में चूल्हे में बनाएंगे दोस्तों। देख सकते हो हमारी रेसिपी, और दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने साबुत धनिया डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज डालेंगे दोस्तों। देखिए अच्छे से इसको कलर आने देना, उसके बाद प्याज डालना है जो हमने 400 ग्राम प्याज काटा है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे चैनल से, इसको अच्छे से कुक करना है। देखिए कलछी से इसको बार बार चलाते रहें, और जो हमारे मसाले इंक्लूड है आपको दिखा देंगे, ऑथेंटिक मसाले स्टेप बाय स्टेप जो रेसिपी हम बनाएंगे आज चिकन चटपटा दोस्तों। ये रेसिपी है एकदम चटपटी। देखिए मिर्ची हमने जो पेस्ट बना रखा, और जो लहसुन है लहसुन को भी हमने बारीक एकदम मिक्सी में कूट के, देख सकते हो आप। ये देखिए पूरा मिर्ची अदरक लहसुन हमने एकदम बारीक पीसा, और इसको दोस्तों अच्छे से ब्राउन करना है। और इसके बाद दोस्तों इसमें 1 किलो चिकन इंक्लूड करना है जो हमने उसको अच्छे से वाश कर रखा है। और ये देखिए हम आपको मसाला दिखा देते हैं। ये देखिए चिकन मसाला, धनिया, जीरा, हल्दी, और जो हमारा गरम मसाला, खड़ा मसाला, जो ऑथेंटिक मसाले, इसको पानी में भिगा दिया है। और ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन होता हुआ, करछी से इसको चलाते रहेंगे दोस्तों, देख सकते हो। और इसके बाद इसमें हम 1 किलो चिकन डालेंगे। देखिए दोस्तों इसको अच्छे से जब तक चलाते रहे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, देख लो पूरा पानी छोड़ेगा और एकदम सॉफ्टनेस आएगी। और इसके बाद जो हमारा इसमें कढ़ाई में ढक्कन मारेंगे दोस्तों, देख सकते हो आप, 4 से 5 मिनट के लिए हम इसमें ढक्कन मारें। पहले तो इसमें पानी निकलने देते हैं और एकदम सॉफ्टनेस आनी चाहिए पूरे चिकन में, जो पानी छोड़ना चाहिए। अब देखिए हमने ढक्कन लगा देते हैं 4 से 6 मिनट के लिए। देखिए हम इसको दम लगा देते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद ढक्कन खोल के आपको दिखाते हैं चिकन का कलर क्या शानदार आ रखा है दोस्तों। देखिए अब इसमें हम जो मसाले इंक्लूड करने हैं वो डालेंगे, जो हमने मसाले बना रखे हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए चिकन का एकदम शानदार कलर आया दोस्तों, और हमारी रेसिपी आप होम घर में ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार मसालों के साथ चटपटा, जो चटपटा चिकन मसाला है टुडे स्पेशल, आप लोग रोटी, नान, चपाती, जीरा राइस, प्लेन राइस के साथ ले सकते हो दोस्तों, या स्नैक्स में भी ले सकते हो ये डिश। और इसको 6 मिनट के लिए फिर ढक्कन मारेगा हम। अब देखे इसका शानदार, जो पूरा 50% से ज़्यादा हमारा चिकन पक चुका है। अब हमारे जो मसाले हैं दोस्तों, 15 मिनट हो गए हैं, वो बिल्कुल फूल गए होंगे, हमने गर्म पानी में भिगाया था। अब देख लीजिए चिकन का कलर क्या शानदार कलर आया है। अब इसमें हम जो हमारे मसाले बने हैं वो डालेंगे दोस्तों। देखिए चिकन बहुत ही शानदार, जो इसका कलर है और जो इसमें स्पाइसीपन है, तीखापन है, और खट्टा करेंगे दोस्तों। इसमें टमाटर प्यूरी, जो हमने टमाटर पीस रखे हैं, प्यूरी डालेगा। और देख लो ये बहुत ही शानदार जो भट्टी चूल्हे में बनते हुए हमारे पहाड़ी स्टाइल, ये देखिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे दोस्तों, जो मसाले हमने भिगा रखे थे सारा डाल दिया है, और इसको बार बार चलाते रहेंगे जब तक ये रोगन ना छोड़े, तब तक इसको पकाते रहो दोस्तों। रोगन छोड़ने के बाद इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, जो पेस्ट कर रखा है 2 से 3 टमाटर, आप देख सकते हो चिकन का कलर, और अंदर से दोस्तों जूसीपन होना चाहिए। इसको ढक्कन मारेंगे हम, ढक्कन से पकाएंगे, जो इसके अंदर जूसीपन आएगा देख सकते हो, ढक्कन लगा देते हैं हम। ये देखिए अब इसके बाद दिखाएंगे आपको, पूरी भट्टी दिखाते हैं हम, चूल्हा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों एकदम मीडियम आंच में हम पका रहे हैं। अब इसको देखते हैं, ये देखिए पूरा जूसीपन आ गया इसमें, देखिए पूरा रोगन छोड़ दिया हमारे मसालों ने।
अब दोस्तों देख सकते हो आप, पूरा कलरफुल हो रखा है एकदम, चटपटा चिकन मसाला जो चटपटा झटपटा बना दिया हमने, देख सकते हो आप एकदम झटपट बना दिया दोस्तों। और जो हमारे मसाले इंक्लूड है, पूरे मसाले डाल रखे हैं। अब इसमें ढक्कन मारेंगे हम और टमाटर प्यूरी भी डालेंगे दोस्तों। अब दिखाएंगे आपको चिकन का कलर और लुक, ये देखिए बिल्कुल एकदम शानदार जो हमारा चिकन चटपटा, देखिए आप देख सकते हो पूरा जो रेसिपी है हमने आपको पूरी शेयर कर रखी है दोस्तों। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, देख सकते हो 3 टमाटर हमने पेस्ट बना रखा है। अब देखे इसका कलर देखे दोस्तों, जो हमारा तीखापन और खट्टापन मिलेगा तो चिकन चटपटा तैयार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी अगली रेसिपी है राज बोरा के आप तक पहुंच सके। अब इसको हम सर्विस कर देते हैं दोस्तों, देख लो ये हमारा चिकन चटपटा रेडी हो चुका है दोस्तों। बहुत ही शानदार डिश है, आप जरूर ट्राई करें एक बार। धन्यवाद दोस्तों।